दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जीपर क्रीपर फिल्म के सेकेंड पार्ट को, जो कि मेरे हिसाब से इस फिल्म के पहले चैप्टर से ज्यादा बेहतर है, या फिर यूं कहूं कि इस सीरीज के सभी पार्ट से बेहतर। कहानी में हमें क्रीपर नाम के एक ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर के बारे में बताया गया है जो कि हर 23 सालों में 23 दिन के लिए जागता है और अपने आप को इमोर्टल बनाने के लिए इंसानों का शिकार करता है। फिल्म की शुरुआत यही बताते हुए होती है कि 23 सालों बाद क्रीपर फिर से जाग गया है और उसे जागे हुए 22 दिन हो गए हैं, यानी कि उसके पास एक और दिन है। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें बिली नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपने खेतों में स्केयरक्रो लगा रहा होता है। यहाँ पर हम उसके फादर को भी देखते हैं जिनका नाम जैक होता है। वो उससे कहते हैं कि जल्दी से अपना काम पूरा कर लो। वहाँ पर उनका एक डॉगी भी होता है जो कि किसी को देखकर बार बार भौंक रहा था। यहाँ पर उस बच्चे का बड़ा भाई भी होता है जो कि अपने फादर के कहे अनुसार स्केयरक्रो सही से लगा रहा होता है। तभी उस बच्चे को वहाँ पर एक स्केयरक्रो दिखता है जो कि काफी बड़ा और अजीब दिख रहा था, इसलिए वो उसे बड़ा गौर से देख रहा था। और जब वो बच्चा उस स्केयरक्रो के पास जाता है तब वो देखता है कि उसके पंजे मूव कर रहे हैं। ये देखकर वो डर जाता है और फौरन से वो वहां से अपने भाई और फादर के पास भाग जाता है। लेकिन तभी वो स्केयरक्रो अपनी जगह से उड़कर उस बच्चे को पीछा करने लगता है। दरअसल वो कोई स्केयरक्रो नहीं होता है बल्कि वो क्रीपर होता है जो कि अपने शिकार के लिए निकला था। वो छोटा बच्चा चीख चीख कर अपने फादर को आवाज लगा रहा होता है। उसके फादर भी उसकी आवाज सुन लेते हैं और वो एक गन लेकर अपने बड़े बेटे के साथ उसको ढूंढने के लिए आते हैं। खेतों में जाकर वो देखते हैं कि कोई अजीब सी चीज बिल्ली को अपनी तरफ खींच के ले जा रही है। बिल्ली भी अपने आप को आजाद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन देखते ही देखते वो क्रीपर बिल्ली को लेकर आसमान में उड़ जाता है। उसका फादर और भाई देखते ही रह जाते हैं, वो बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें एक स्कूल बस को दिखाया जाता है जिसमें कई सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे। इन सब में स्कॉट नाम के हम एक लड़के को भी देखते हैं जो कि बस के आखिर में एकदम शांत से बैठा हुआ था। वो किसी बात को लेकर परेशान होता है। साथ ही ये बस सुनसान रास्तों से होकर आगे बढ़ रही होती है। अभी अचानक से बस पंचर हो जाता है जिसके बाद बस में बैठे मैनेजमेंट के लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये रोड सिटी और मेन रोड से काफी दूर था और साथ ही इस बंजर इलाके में किसी के भी फोन के सिग्नल नहीं आ रहे थे। बस की ड्राइवर और कोच जब नीचे आकर उस टायर को चेक करते हैं तो वो पाते हैं कि टायर में एक तेज धार वाला हथियार घुसा हुआ है जिसे कि थुरीकिरिन या थ्रो स्टार कहते हैं। साथ ही उस हथियार के ऊपर एक इंसानी दांत भी लगा हुआ था। साथ ही बस में एक न्यूज चल रही होती है जिसमें बताया जाता है कि एक पुराने चर्च में 300 से भी ज्यादा डेड बॉडीज के स्केलेटन मिले हैं जो कि 200 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं। ये न्यूज सुनकर सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और वो डर भी जाते हैं कि इतनी पुरानी डेड बॉडीज। तभी बस के अंदर बस की वो ड्राइवर आती है और वॉकी टॉकी से हेल्प के लिए कॉन्टेक्ट करती है, लेकिन आगे से उसे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता। कुछ दूरी पर तीन लड़कियां स्मोक कर रही होती हैं, लेकिन तभी वहां पर कोच आ जाता है जो कि उन्हें ऐसा करता देख लेता है, जिसे देखकर वो अपना सिगरेट छिपा देती हैं। अब क्योंकि वो जान गया था कि वो स्मोक कर रही थी, इसलिए वो सिर्फ इनसे इतना कहता है कि स्मोक करने से कैंसर हो जाता है और इतना कहकर वो चला जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे वो बस ड्राइवर भी आ जाती है और इन लड़कियों के साथ मिलकर स्मोक करने लगती है। अब थोड़ी देर बाद वो बस ड्राइवर डिसाइड करती है कि वो स्पेयर टायर को यूज करके अपने सफर पर आगे बढ़ेंगे और इस तरह से वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अब इसीलिए सब लोग वापस अपने बस के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद ये लोग वहां से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो कि क्रीपर को मारने के लिए एक हथियार बना रहा होता है क्योंकि वो अपने बेटे का बदला लेना चाहता था। अब जैसे ही रात होती है, उन स्टूडेंट में से एक लड़की जिसका नाम मिक्सी होता है, वो एक सपना देखती है और वो सपने में उसी लड़के को देखती है जिसे पहले पार्ट में क्रीपर ने अपना शिकार बनाया था। साथ ही उसे जैक का बेटा बिली भी दिखाई दे रहा होता है। वो इन्हें बता रहे होते हैं कि क्रीपर तुम्हारे बस की तरफ आ रहा है। मिक्सी देखती है कि क्रीपर ने उनकी बस की तरफ एक और थ्रोइंग स्टार फेंका है जिसकी वजह से बस का एक और टायर पंचर हो जाता है। ये बात काफी हैरान कर देने वाली थी कि जब मिक्सी ने अपने सपने में देखा कि क्रीपर ने एक और थ्रोइंग स्टार फेंका है, तब असल में ही इस बस का एक टायर पंचर हो गया था। इसके बाद वो बस ड्राइवर सभी को बस से बाहर जाने का ऑर्डर देती है ताकि कोच फ्लेयर जला सके और हेल्प मंगा सके। सभी लोग बस से बाहर आ जाते हैं और कोच उन फ्लेयर्स को जलाकर सड़क पर रख देता है ताकि कोई उनकी मदद कर सके। जब वो बस ड्राइवर फिर से टायर को चेक करती है तो वो देखती है कि इस बार भी टायर में वही थ्रोइंग स्टार था जो कि पहले से भी ज्यादा अजीब था। इस बात को वो बस ड्राइवर एक और कोच के साथ भी शेयर करती है और ये काफी हैरान भी हो जाते हैं। लेकिन तभी क्रीपर आता है और वो दूसरे कोच को उठाकर ले जाता है जो कि सड़क पर फ्लेयर्स रख रहा था। ये देखकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ, इसलिए वो ड्राइवर और कोच सभी स्टूडेंट्स से बस के अंदर जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद सभी लोग बस के अंदर चले जाते हैं और क्रीपर एक बार फिर से आता है और इस बार वो बस ड्राइवर को ले जाता है।
उन सभी स्टूडेंट में से एक लड़का ये देख लेता है और वो काफी डर जाता है। कोच उस लड़के से पूछता है कि बताओ क्या हुआ, जिस पे वो लड़का कहता है कि कोई उड़ने वाला क्रिएचर उस ड्राइवर को ले गया। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था कि आखिर कोई भी कैसे किसी को उड़ाकर आसमान में ले जा सकता है, जिस पर वो कहता है कि ये कोई कहानी नहीं है जिसको मैंने अपने आप से बनाई है, बल्कि ये सारा नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसकी ये बात सुनकर बस में हलचल मच जाती है, लेकिन कोच सबको शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो क्रीपर फिर से आता है और उस कोच को पकड़ लेता है। वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं और वो क्रीपर उसे उड़ाकर अपने साथ ले जाता है। अब अपने आंखों के सामने ये सब होता देख वो स्टूडेंट काफी डर जाते हैं। वो जल्दी से बस को लॉक कर लेते हैं, लेकिन एक बार क्रीपर फिर से आ जाता है। वो बस के पीछे वाले शीशे से इन सभी स्टूडेंट को देखने लगता है और वो इन्हें देखकर अपनी जीभ लपलपाता है और इन्हें अच्छे से देखने के बाद यहाँ से उड़ जाता है। इसके बाद मिक्सी एकदम से बेहोश हो जाती है और इस बार उसकी आंखें वाइट हो जाती हैं। यहाँ पर वो एक सपना देखती है जहाँ पर वो खेतों में एक स्केयरक्रो को देखती है। यहाँ एक बार फिर से वो क्रीपर को देखती है, साथ ही पार्ट वन वाले लड़के डेनी को भी, जो कि यहाँ पर कुछ गा रहा होता है। मिक्सी उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि वो 23 सालों बाद 23 दिनों के लिए खाने के लिए जागता है। जिस पर मिक्सी उससे पूछती है कि वो क्या खाने के लिए जागता है, जिस पर डेनी उसका जवाब देता है कि हम इंसानों को। और तभी वो होश में आ जाती है और अपने सपने के बारे में इन सभी को बताती है। वो इन सभी को बताती है कि मैंने एक लड़के को देखा है जो कि हमें बता रहा था कि वो क्रीपर हम सभी को मारकर खा जाएगा, लेकिन कोई भी इसकी इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मिक्सी की मेंटल कैपेसिटी काफी अच्छी थी, क्योंकि जब भी वो क्रीपर उनके आसपास कहीं होता तो वो दो लड़के इसकी यादों में आ जाते थे, जो कि इस बात का संकेत था कि कोई ना कोई खतरा आने वाला है। दूसरी तरफ जैक और उसका बेटा एक कार के पास पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि इस कार की हालत बहुत खराब थी। वो समझ जाते हैं कि ये सारा करा धरा उस क्रीपर का है। साथ ही कार में रखी वॉकी टाकी पर कोई हेल्प मांग रहा था और वो उन्हीं स्टूडेंट में से एक लड़का था जो कि उन्हें पुलिस समझकर उनसे हेल्प मांग रहा था। वो कहता है कि वो डरावना क्रिएचर हमें मार डालेगा, आप प्लीज आकर हमें बचा लीजिए। ये बात सुनकर जैक और उसका बेटा बताई हुई लोकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ वो क्रीपर बस के छत पे आकर एक स्टूडेंट के सर को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन इनमें से एक लड़की उस क्रीपर के आंख में एक रोड घुसा देती है। क्रीपर उस लड़के को छोड़ देता है, जिसके बाद वो अपनी आंख से उस रोड को निकालता है। उस रोड के साथ उसके सर का आधा हिस्सा भी निकल जाता है, लेकिन फिर भी वो जिंदा होता है। इसके बाद वो आसमान की तरफ उड़ जाता है, जिसके बाद वो काफी जोर से बस के ऊपर आकर गिरता है। स्टूडेंट को लगता है कि शायद वो बस के ऊपर आकर मर गया है। बस की खिड़कियां टूट गई थी, जिनमें से क्रीपर का पंख अंदर आ रहा था। अब एक लड़का उसकी पंख को पकड़कर उसकी मजाक बनाने लगता है। तभी वो क्रीपर उस लड़के को पकड़ लेता है और उसका सर ही उसकी बॉडी से अलग कर देता है। अब उनमें से एक लड़की देखती है कि क्रीपर खुद ही अपना सर अपनी बॉडी से अलग करके फेंक रहा है और वो उसी स्टूडेंट के सर को अपने गर्दन पे लगा लेता है, और ऐसा करने के बाद वो उड़कर यहाँ से चला जाता है। अब उसके यहाँ से जाते ही ये मौके का फायदा उठाकर बस से निकलकर भागने लगते हैं, ताकि ये लोग अपने लिए सेफ जगह ढूंढ सकें। अब क्रीपर पीछे से उन स्टूडेंट का शिकार करने लगता है, जिसे वो अपने एक नाइफ स्पोर्ट को मारता है, जिसके वजह से स्कॉट एक पेड़ में फंस जाता है। उसके फ्रेंड वहां से उसे निकालने की कोशिश करते हैं। वो उस नाइफ को निकालने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्रीपर स्कॉट को उठाकर अपने साथ ले जाता है। उसकी फ्रेंड ये देखकर चिल्लाती रह जाती है। मिक्सी, जो कि अपने ग्रुप से अलग हो चुकी थी, वो जैक और उसके बेटे को मिल जाती है। वो लोग मिक्सी को लेकर बस की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट बस के अंदर आता है, जिसमें दो स्टूडेंट पहले से ही बस के अंदर मौजूद थे। वो उसे पूछते हैं कि कहीं क्रीपर तुम्हारे पीछे तो नहीं आया। कहता है कि नहीं, हमें कहीं भी सेफ प्लेस नहीं मिली, इसलिए मैं वापस आ गया। तभी क्रीपर वहां आकर जोर से उसके सर को दबाता है, जिस पर वो बेहोश हो जाता है। तभी मिक्सी, जैक और उसका बेटा उस बस तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद जैक उस क्रीपर को भी देख लेता है। वो अपने हार्पून से उस क्रीपर पर हमला करता है, जिसके बाद क्रीपर जख्मी हो जाता है। उसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है। फिर उन तीन स्टूडेंट को एक कार नजर आती है, जिसमें बैठकर वो यहाँ से जाने लगते हैं। वो क्रीपर वापस आ जाता है, वो इनका पीछा करने लगता है, जिस वजह से वो लड़का कार का तेजी से ब्रेक लगा देता है। क्रीपर तेजी से आकर उस कार से टकरा जाता है। इस टक्कर में दो लोग तो बच जाते हैं, लेकिन एक की टांग बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है और क्रीपर का भी हाथ पैर और एक पंख जख्मी हो जाते हैं। लेकिन क्रीपर उस लड़के को मारने की कोशिश करता है, जिसकी टांग जख्मी थी, ताकि वो अपने बॉडी पार्ट को दोबारा से रिकवर कर सके। लेकिन तभी वहां पर एकदम ठीक समय पर जैक पहुंच जाता है। वो अपने हार्पून से क्रीपर के सर पर हमला करता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। क्रीपर अपने सर से हार्पून को निकालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन जैक यहां आकर हार्पून से कई बार क्रीपर पे अटैक करता है। अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था। इसके बाद भी वो क्रीपर मरता नहीं, बल्कि वो सो जाता है, क्योंकि आज उसका 23वां दिन था और उसके जागने के दिन पूरे हो गए थे।
तब मिक्सी बताती है कि 23 सालों बाद ये दोबारा से जिंदा हो जाएगा, ये अभी भी मरा नहीं है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 23 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ स्टूडेंट जैक के घर पर उसी क्रीपर को देखने के लिए आए होते हैं। लेकिन यहां पर क्रीपर का सिर्फ स्केलेटन था, जहां पर हम जैक को देखते हैं जो काफी बूढ़ा हो गया था और 3 दिन बाद क्रीपर को फिर से जागना था। और जैक उसका इंतजार कर रहा था कि जैसे ही 3 दिन बाद क्रीपर फिर से जिंदा होगा, वो अपने हार्पून से फिर से उसे मार देगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।